रावण एक घोर तपस्वी था जिसने अपने तप से बहुत सी ऐसी विद्याएं और शक्तियां हासिल की जो रावण को सर्वशक्तिशाली और बाकी राक्षसों से अद्भुत बनाती थी। रावण ने त्रिदेवों की तपस्या की और सभी से अलग अलग प्रकार के वरदान और शक्तियों की प्राप्ति की। इन्हीं वरदानों में से एक वरदान रावण ने ब्रह्मा से भी तपस्या के फल स्वरूप प्राप्त किया। वास्तव में रावण अमर होना चाहता था, इसी उद्देश्य से उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसकी इच्छा पूर्ति करते हुए वरदान दिया कि आज से तुम्हारे प्राण तुम्हारी नाभि में संग्रहित होंगे। इस वरदान के परिणाम स्वरूप रावण कभी भी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। राम और उनकी वानर सेना से युद्ध में भी अंत में रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ी, परंतु विभीषण को रावण के नाभि में संग्रहित अमृत कुंड के रहस्य के बारे में पता था, जिसे विभीषण ने श्री राम को जाकर बता दिया और भगवान श्री राम युद्ध में रावण को पराजित करने में सफल हुए। तभी से विभीषण को घर का भेदी भी कहा गया। यदि विभीषण द्वारा ये रहस्य श्री राम को नहीं बताया गया होता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ अलग ही होता।